लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान की रूपरेखा बनाई जा रही है। लोकसभा इलेक्शन के नतीजों की समीक्षा की गई, इसके साथ ही पार्टी के भविष्य की रणनीति और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सबसे ज़्यादा आनंद का विषय बीजेपी के लिए रहा कि उसने 29 में से 29 लोकसभा सीटों को जीता है, लेकिन यही बीजेपी के सामने अब चुनौती है। अब बीजेपी को और ज़्यादा डटकर काम करना पड़ेगा ताकि इस जीत को वो कायम रख सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति बैठक का उद्घाटन किया। बीजेपी नेताओं ने ताली बजाकर सभी 29 सांसदों का स्वागत किया। वहीं बैठक में ग्वालियर में हुई पिछली कार्य समिति के प्रस्तावों का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार PM बनने पर बधाई प्रस्ताव तालियों के साथ पारित हुआ। वहीं मतदाताओं का भी आभार जताया गया। विधायक अर्चना चिटनिस ने रविंद्र भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी का प्रस्ताव कार्य समिति की बैठक में रखा गया। तीसरे टर्म में बीजेपी की मोदी सरकार नया इतिहास रचेगी। बीजेपी का लोकसभा चुनाव शानदार रहा है, उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी का जनाधार और अधिक बढ़ गया है। MP में 29 में से 29 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बना है, जो कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसे बनाए रखने के लिए बीजेपी लगातार काम करेगी। पहली बार इस पर प्रस्ताव में हमने उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को, जनता को बधाई दी और अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार फिर हमारी सरकार बनी, इसका उल्लेख हमारे इस प्रस्ताव में था। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से राज्यों में न केवल सीटें मेंटेन करी, बढ़ाई, बल्कि अपना वोट प्रतिशत भी हमारा बहुत से राज्यों में बढ़ा। और केरल जैसे स्टेट में हमारी अपनी एक सीट आना वो बहुत सुखद है और आने वाले समय के लिए मैं तो कहूंगी एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। और साथियों, साथ ही हमारे यहाँ केरला में वोट प्रतिशत बढ़ा, जो 12.93% से बढ़कर 16.68% हुआ। न केवल केरला बल्कि प्रस्ताव में हमारे प्रदेश की महामंत्री ने जो विषय रखा, असम में हमारा वोट प्रतिशत 36.05 से बढ़कर 37.43 हुआ। छत्तीसगढ़ में 50.07 से बढ़कर 52.65% हुआ। ओडिशा में 38.33% से बढ़कर 45.34% हुआ। पंजाब में 9% से बढ़कर 18% हुआ। तमिलनाडु में 3% से बढ़कर 11% हुआ। और मेरे मित्रों, साथियों, तमिलनाडु में 3% से 11% को कहीं गुना वृद्धि हुई। तेलंगाना में 19% से बढ़कर 35% की वोट शेयर की अभिवृद्धि हुई। त्रिपुरा में 49.03 से बढ़कर 70.72% की वृद्धि हुई। और अंडमान निकोबार में 45% से बढ़कर हम करीब 51% वोट शेयर में गए। तो मैं ये आपके सामने इसलिए बताना महत्वपूर्ण समझती हूँ कि हमने पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ जिन स्टेट्स में हमें वोट कम मिलते थे उनमें कई जगह तो गुणांक में, मल्टीपल्स में हमारे वोट शेयर की वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा की सीटों पर विजयशील हासिल कर हम जहां पहुंचे हैं वहां का अब रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा और हमें भी उस रिकॉर्ड को संभालना ये हमारी बड़ी जवाबदारी है, जो निश्चित ही जनता की सेवा कर विकास के प्रतिमानों पर अपने आप को बनाए रखकर हम इसको मेंटेन निश्चित तौर पर कर सकेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।